अच्छा ये एक साइज के क्यों होता है, सारा शेप एक जैसा क्यों होता है इनका? आज की वीडियो में आप देखेंगे कि माता वैष्णो देवी पर मौसम व अन्य जानकारियां और उसके अलावा माता वैष्णो देवी कटरा में मिलने वाले नकली प्रसाद के बारे में। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 25 फरवरी 2024 और आज के डेली अपडेट वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के मौसम के बारे में व अन्य सुविधाओं के बारे में जो माता वैष्णो देवी पर चल रही है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, माता वैष्णो देवी कटरा मार्केट के अंदर मिलने वाले नकली प्रसाद के बारे में, जो कहीं से कहीं तक भी हमें असली प्रसाद नहीं लगता है, उसके अंदर मिलावट है या वो सिंथेटिक प्रसाद है, बिल्कुल प्लास्टिक का प्रसाद है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से संचालित भेंट शॉप जो आपको भवन पर मिल जाती है, जो आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, ये प्रसाद सबसे अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मिलता है। इससे अच्छा प्रसाद पूरे कटरा, पूरे माता वैष्णो देवी भवन यात्रा के दौरान आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिलने वाले मुरमुरे के प्रसाद बिल्कुल असली क्वालिटी के होते हैं और वो आप इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो कटरा मार्केट में प्रसाद मिलता है वो मुरमुरे का प्रसाद बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और थोड़ा सा मोटा होता है और सभी का शेप लगभग एक समान होता है। आज की इस वीडियो में इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन नकली प्रसाद से बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माता वैष्णो देवी पर आज कैसा है मौसम का हाल, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर ठीक और सुचारू रूप से चल रही है। चलते हैं विजय अद्वारे जी के पास। चलिए भाई, जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय अद्वारिया आज लाइव अपडेट में आपका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक हो गई है 25/2/2024 और आप लोगों को बता दूं श्री माता वैष्णो देवी कटरा में मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। पीछे मेरे आप प्यारा सा त्रिकुटा पर्वत देख सकते हैं, अर्धकुंवारी का मंदिर आप लोगों को चमकता हुआ नजर आ रहा होगा और बिल्कुल आपको क्लियरली ऊपर की तरफ आसमान में भी दिख रहा होगा। मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है, बहुत ही तेज एकदम कड़ाकेदार धूप निकली हुई है और पूरे दिन धूप कुछ इसी तरह से निकलने वाली है और अच्छी खासी मात्रा में कह सकते हैं जो भक्त यात्रा करने वाले उनको अच्छी खासी मात्रा में गर्माहट भी महसूस होने वाली है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, नॉर्मल गर्मी लगेगी, पसीना आएगा आपको थोड़ा बहुत है, लेकिन पसीना जरूर आने वाला है। बाकी आपको बता दूं मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार की सेवा, सारी चीज़ें बिल्कुल एक्टिव है, किसी प्रकार की कोई चीज़ आज बंद नहीं है। तो मौसम के बारे में बस यही अपडेट है, बिल्कुल फ्रेश और साफ सुथरा मौसम बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर। जय माता दी। तो जैसा कि विजय अद्वारी जी ने बताया कि आज दिनांक 25 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, धूप अच्छी खासी निकली हुई है और आज चलने वाली माता वैष्णो देवी पर सभी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिसके अंदर बैटरी कार, रोप वे और हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। ये सभी सुविधाएं जो आज अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलती रहेगी, बारिश का कोई भी अनुमान आज नहीं है। अब बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी भवन पर मिलने वाले रस के बारे में। तो सभी को बता दें आज 25 फरवरी आज है संडे और आज के दिन माता वैष्णो देवी भवन पर सामान्य से ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पर आज यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आम दिनों की अपेक्षा जो अन्य मंथ होते हैं उनके अनुसार अगर देखें तो उतना ज़्यादा आपको भीड़ रहने को नहीं मिलेगी। आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल 1 से 1.5 घंटा ही दर्शन करने में लगेगा और किसी प्रकार की अन्य कोई परेशानी आपको दर्शन करने में नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप इमरजेंसी में आए हैं, बिल्कुल कोई भी डॉर्मेट्री या अन्य सुविधा आपके पास नहीं है, तो आप सामने दिखने वाले दुर्गा भवन के अंदर आराम से स्टे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंबल और गद्दे की सुविधा बड़े आराम से मिल जाती है। साथ ही साथ गीजर, गर्म पानी की सुविधा और अच्छे टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें रुक कर आप किसी भी तरीके की परेशानी से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बेशक आपको नीचे थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो दिन के समय जब धूप निकली होती है, लेकिन जैसे ही आप हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ते हैं, माता वैष्णो देवी भवन के नज़दीक पहुंचते ही आपको ठंड का एहसास हो जाता है। तो अपने साथ इस यात्रा के दौरान गर्म कपड़े रखना ना भूलें, आपके पास पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े होने बेहद ज़रूरी हैं। किसी भी प्रकार से इन चीज़ों के अंदर लापरवाही ना बरतें। और आप बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी के बीच के पड़ाव अर्धकुंवारी के बारे में, कितनी ज़्यादा यहाँ पे रश है और कितना वेटिंग टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हमारी जानकारी के अनुसार माता वैष्णो देवी के इस पड़ाव पर
जिसको हम अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए कहते हैं, यहाँ पर आपको लगभग आज 18 से 20 घंटे का वेटिंग टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वीकेंड शुरू हो गया था कल सैटरडे से ही और आज संडे है, लगभग यही माहौल आज भी यहाँ पर रहेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के बारे में, जिसको इस साल मकर संक्रांति के दिन खोला गया था और होली के दिन तक खोला रखा जाएगा। आपको बता दें कि बीच में ज्यादा भीड़ होने के कारण प्राचीन गुफा को बंद रखा गया था, लेकिन अभी प्राचीन गुफा को वापस से खोल दिया गया है। प्राचीन गुफा अपने उसी निर्धारित समय पर चल रही है और आपको बता दें, अगर आप इसके टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसका एक पूरा वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि रात को लगभग 10:30 से 11 के बजे के बीच में आप लाइन में लगकर प्राचीन गुफा से प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हम लगातार माता वैष्णो देवी कटरा से रोज आकर सीधा प्रसारण करते हैं, जिसमें हम आपको रोज रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सभी जानकारियां प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हेमलता जी से भी मिलवाते हैं, जिसके अंदर आप अपने किसी प्रकार के सवाल को वहाँ पर हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारे एक भक्त ऋषभ अग्रवाल जी कल हमें लाइव के दौरान मिले और उन्होंने इस लाइव के बारे में हमें क्या बताया। हम दिल्ली से आए हैं भैया, आपका YouTube चैनल यक्षोम देखते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखते हैं हमेशा हम। जी जी और ये मेरे दोस्त हैं, ये अपना जनकपुरी से। जनकपुरी से जानकारी मिलती है लाइव पर, कुछ जानकारियों से तो बहुत फायदा होता है भैया। जानकारी तो आने से पहले बंदा एक बार जरूर देखता ही है कि भाई क्या है। आप लोग से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि इस तरीके से हम जानकारी सटीक जानकारी आप लोग देते हैं, बहुत सटीक जानकारी देते हैं मौसम के बारे में और जैसे भी दर्शन चल रहे हैं जैसे भी है, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन दर्शन आपके अच्छे हो गए और दर्शन में पिंडी बहुत बढ़िया हो गए, बहुत बार अगली बार मौका मिलेगा तो आपके साथ ही आएंगे माता जी के दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत जल्दी जो है ग्रुप के अंदर आने वाले, सभी जो हमारे साथी हैं सबके साथ बिल्कुल बहुत जल्द आने वाले। पटनी टॉप में भैया हम गए थे, आज का हमारा वहाँ का था प्रोग्राम जी, सुबह निकल गए थे तो हमें वहाँ पे स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल भी दिखी है, जाते समय भी मिली, आते समय भी मिली, वहाँ पे भी मिली, रूट पे भी मिली। चक्कर तो नहीं था कि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, जैम लगा हुआ है काफी ज्यादा? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत साफ रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं थी आज। तो ये थे ऋषभ अग्रवाल जी, जो हमारे लाइव के दौरान ही कटरा रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारी दी हुई जानकारी के बारे में हमारा आभार प्रकट किया, जो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आपको बता दें, हम इसी प्रकार से रोज रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आते हैं और आप हमारा ये लाइव सेशन जरूर 8 बजे से रात को 10 बजे तक ज्वाइन जरूर करें, जिसके अंदर आप अपने किसी प्रकार के माता वैष्णो देवी से रिलेटेड सभी सवाल पूछ सकते हैं और आपका जवाब उसी दौरान मिल जाता है। आइए बात कर लेते हैं कटरा मार्केट में निकलने वाला हमारे शक के आधार पर नकली प्रसाद के बारे में। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वो प्रसाद है, मुरमुरे का प्रसाद, जो अभिषेक अरोड़ा जी जो ट्रेवल ज्ञान MVTNT से हैं, उन्होंने हमारे पास ये फोटो भेजा है। उनका कहना ये है कि ये बिल्कुल बकवास क्वालिटी का और एकदम प्लास्टिक की तरह दिखने वाला प्रसाद है। और आपको बता दें, हमने भी जून के महीने में 2023 के अंदर जाकर आपको लाइव मार्केट के अंदर से दिखाया था कि किस प्रकार से कटरा मार्केट के अंदर इस प्रकार का प्रसाद मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो प्रसाद है बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है और इसके अंदर किसी भी प्रकार से असली मुरमुरे नहीं है, ये सभी हमें देखने में ही प्लास्टिक के लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें अभिषेक अरोड़ा जी ने भी बताया, जिनके पास ये प्रसाद पहुंचा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरीके से मिलने वाले प्रसाद के अंदर एक माता रानी का फोटो रखा रहता है और इसका छोटे पैकेट का प्राइस केवल 10 रुपये और बड़ा 20 रुपये के आसपास होता है। हम आपसे यही आग्रह करते हैं, कभी भी इस प्रसाद को यहाँ से ना खरीदें। कटरा मार्केट के अंदर बहुत रौनक बनी है अभी। अच्छा, ये एक साइज के क्यों होता है, सारा शेप एक जैसा क्यों होता है इनका? हाँ ऐसे ही है सारा, जो वो है ना ये वाला जो है जैसे मशीन में बनाया हो, नहीं ऐसे जो प्लास्टिक का बनाया हो? जी बिल्कुल, ये प्लास्टिक का ही होता है ये प्रसाद। तो आगे भी हम बहुत जल्द जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रसाद के बारे में और भी वीडियो लेकर आएंगे, खुद जाकर वहाँ पर चेक करेंगे और उनसे डायरेक्ट भी बात करेंगे कि ये प्रसाद आखिर आता कहाँ से है, क्योंकि मुरमुरे तो ये नहीं है किसी भी हद तक हम कह सकते हैं।